नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का सम नंबर फर्स्ट, 1/√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं. लेट 1/√2 इज रेशनल. अब अगर 1/√2 रेशनल है तो वी कैन राइट 1/√2 एज ए अपॉन बी. दैट मीन्स ये 1/√2 अगर रेशनल है तो ए अपॉन बी भी कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा. अब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो इट विल बी √2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए इज ऑल्सो रेशनल. तो अगर हमने 1/√2 को रेशनल अज्यूम किया है मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा. लेकिन हमें थियरम में दिया हुआ है कि √2 जो है वो तो इरेशनल है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल. तो अगर √2 इरेशनल है इसका मतलब ये बी अपॉन ए भी इरेशनल हो जाएगा, और इसका मतलब 1/√2 भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. Therefore, 1/√2 is also irrational. हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है.